मैं हूं आपका मेजबान अर्शद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को फोन करके शिकागो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन दी और सदारती तर्जमान के मुताबिक ये इनविटेशन अनकंडीशनल है। तमाम सदारती तर्जमान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान इस पर गौर करेगा और हुकूमत की और पार्लियामेंट की जो भी एडवाइस होगी उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाएगा और नेटो को बता दिया जाएगा। सवाल नाजिंग यहाँ पर यह उठता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के 48 ममालिक से टक्कर ले सकता है। पार्लियामेंट की पहले जो एडवाइसेस आई, जो रेजोल्यूशंस आई, जो रिकमेंडेशंस आई पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसका क्या बना? क्या उनके ड्राफ्ट्स भी तब्दील कर दिए गए? इसी सवाल का जवाब मालूम करने के लिए हमारे साथ इस्लाम आबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी के मेम्बर सेनेटर अनवर बेग साहब। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मखदूम जावेद हाशमी। पाकिस्तान के मुअज्ज़ज़ तरीन और सीनियर तरीन सियासतदान हैं और आमतौर पर लोग इन्हें बागी के नाम से जानते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है रोफ क्लासा एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। हाशिम साहब, शुरू में आपसे करता हूँ, इनविटेशन भी आ गई, सारे मामला लगता है कि बज़ाहिर तय हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए शिकागो कॉन्फ्रेंस में और नेटो सप्लाई रूट खोल देने चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो नेटो के अंदर किस हैसियत से बुलाया है, क्या रोल होगा, या सिर्फ इन्होंने वहाँ बैठ के अहकाम लेने के लिए वहाँ जाना है, क्योंकि नेटो को तो इसकी ना ज़रूरत है ना उन्होंने इनको मशरू में शामिल किया है। वो एक जस्ट स्पेक्टेटर के तौर पर और ये आसिफ जरदारी साहब जाएंगे, जहाज़ पे जाएंगे, फोटोग्राफी होगी और वापसी पे फरे लहराते हुए आ जाएंगे। दरहकीकत ये जो 48 मुल्कों की बात कर रहे हैं, हकीकत में उनके साथ सारी दुनिया जो रह रही है, एक मुल्क भी वो उसकी आज़ादी अपनी आज़ादी होती है तो कोई लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये इन्होंने जानबूझ के एक हवा खड़ा किया हुआ है। जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट थी उसकी मुतफिका करारदाद मंजूर की गई कि हम सफा ये नहीं खोलेंगे रास्ता, उस वक्त 48 मुल्क नहीं थे, आया उस वक्त तो कोई 2-4 कम थे, यही 48 थे। तो उसके बाद पूरी कौम को वहाँ ला के खड़ा किया, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हुई और उसके अंदर इन्होंने मशावरत के बाद ये फैसले किए। तो ये वो इशू उस तरीके से बन नहीं रहा कि 48 मुल्क कल आ गए हैं। 48 मुल्क तो ये साफ अलग था, ये जो नेटो है ये अलग है, इस आप के साथ पाकिस्तान के साथ मामलात हैं, फैसलों के अंदर भी मशावरत या नेटो का तो कोई कोई वो हैसियत ही नहीं है। उन्होंने एक फैसला करना है और हम पर मुसल्लत करना है, वो कभी करते ही कर सकते ही नहीं, जब हमने खुद पहले मुशर्रफ साहब ने ये अख्तियार के रखा, अब जरदारी साहब ने और उसके बाद जो और आपकी पार्टी प्रोटेस्ट भी करती रही है नेटो सप्लाईज ना खोलने के लिए, अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? मैं तो पीएमएलएन में था, इसके बावजूद मैं पिशावर के धरने में इमरान खान के साथ में गया था। मैं तो वैसे नेशनल इशूज पे इस पर प्रोटेस्ट क्या है, इसका अब फैसला आएगा। हम अपनी कौम की जो रूह के मुताबिक और उसके असूले के मुताबिक हम पीछे नहीं रहेंगे, हम सबसे पहले भी आगे रहे थे। मैंने आज तहरीके इंसाफ के सदर की हैसियत से आप कहते हैं कि नेटो सप्लाई नहीं खोलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए, इसके ऊपर तो दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, जिससे अपनी कौम को आप नुकसान पहुंचाते हो और उसके बात किए बगैर सिर्फ एक टेलीफोन की मार पे परवेज मुशर्रफ से बैठे थे, सब बैठे थे, ये टेलीफोन की मार पे भी नहीं है, एक इनविटेशन की मार है जरदारी साहब। और जो पूरी पार्लियामेंट है, अफसोसनाक पहलू ये है कि वो पार्लियामेंट जो है फिर साबित कर रही है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो कौम का फैसला करने का हक उसके पास है ही नहीं है। लेकिन दिफाई का कमेटी काबीना की वो भी मिल रही है और फैसला करेगी। अनवर बेग साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस पे, क्या लाए अमल होगा? नेटो सप्लाई लाइन बाहर खुलने जा रही है, फॉरेन मिनिस्टर भी ये कह चुकी हैं, डीसीसी से भी जो
रिकमेंडेशन आनी है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, आपकी पार्टी का अब क्या स्टैंड होगा जब नेटो सप्लाई लाइन खुलती है? अपना बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली जिस मोड़ पे आज आप आके हम खड़े हुए हैं एज फार एज आर फॉरन रिलेशन इज कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का जब से ये आए इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसा है नहीं, और इन्होंने गालिबन पूरी ये जो यूएस रिलेशंस और अफगान रिलेटेड इश्यूज थे वो पिंडी के हवाले किए हुए थे, तो वो सब फैसले वो वहाँ से आते थे। आज इस मोड़ पे आप आए हैं जब सलाला का एक इंसिडेंट हुआ नवंबर 24 को, और आज हम मई में आके खड़े हुए हैं। हमने ये जो इतना लंबा टाइम हमने ज़ाया किया, और आज दो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्टें आई हैं, और उस पर भी मैं ये समझता हूँ हाशमी साहब उस हद तक तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि इस जो आखिरी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई है 12 अप्रैल को, उसमें इन्होंने ड्रोन्स पे उन्होंने मना किया है कि भाई दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, और अपोलॉजी, वो दोनों चीज़ें नहीं आई हैं। और आज जो हम रिपोर्ट सुन रहे हैं कि जी नेटो की ये जो सप्लाई रूट्स ये खुलने जा रहा है, मैं ये समझता हूँ, देखें जी, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक। हम कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमारे पास कोई रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम दुनिया को आंखें हम दिखा सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके ये जो आज पोजीशन आई है, वी शुड हैव नेगोशिएटेड नवंबर और दिसंबर के महीने में जब ये इंसिडेंट हुआ, और इस मामले को आपकी पार्टी का भी ये स्टैंस है कि ये खोलना अच्छी बात है, लेकिन लेट कर दिया है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट इनसे करते, अब बहुत ले, अब हम गिर के खोल रहे हैं, जो हालात जो नजर आ रहे हैं हम गिर के खोल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, देखें अरशद, वी कैन नॉट आइसोलेट आवरसेल्व्स, आई मीन यही बात फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर भी कह रही हैं कि हम आइसोलेट नहीं, आइसोलेट ये इन्होंने आइसोलेट हमें कर दिया, इस गवर्नमेंट ने आइसोलेट हमें ये 5 महीने कर दिया, ये शुरू से नेगोशिएट करते, अमेरिकन्स वर रेडी टू इवन टेंडर एन अपोलॉजी, 3 दफा उन्होंने कहा, ये हमारी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि नहीं जी आप अपोलॉजी अभी मत दें, पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन आ जाए फिर करें। तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट सियासत खेल रही है हमारी शहीदों पर भी, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नवाज शरीफ साहब का भी यही स्टैंड है, उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है जो आप कह रहे हैं? वेल, आई मीन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है रिसेंटली कि भाई वी कैन नॉट गो इनटू आइसोलेशन, वी हैव टू अकोमोडेट देम। क्लासर साहब, आपने अनवर बेग साहब की बातें सुनी, जावेद हाशमी साहब की बातें सुनी, पीटीआई का स्टैंड तो अभी तक वाजे है, जो स्टैंड लिया हुआ था उस पर कायम है, लेकिन अनवर बेग साहब कह रहे हैं कि हम आइसोलेशन में नहीं जाना चाहते, नून लीग और पीपल्स पार्टी का स्टैंड आपको एक नहीं लग रहा है इस मामले पर कि नेटो सप्लाई खोलना मुल्क के मफाद में? उसकी बड़ी मेरा ख्याल ऑब्वियस ये रीज़न है कि उसमें कोई मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको हम कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पीएमएल नवाज़ या पीपल्स पार्टी एक तरह सोच रही हैं, इनको सोचना ही ऐसे चाहिए जैसे दोनों पार्टी सोच रही, क्योंकि ये पावर में रही हैं। नवाज शरीफ साहब, वजह तो नहीं है कि अमेरिकन एम्बेसडर की जो मुलाकातें वो नून लीग से भी होती रही हैं, पीपल्स पार्टी से भी होती हैं, तहरीक इंसाफ से कम मुलाकातें रही हैं, इमरान खान से कम रही हैं? अब मे भी इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी शुरू हो जाएंगी जो ही, मेरा ख्याल है अब अगेन इमरान इज अमर्जिंग एज ए बिग पॉलिटिकल थ्रेट टू ऑल द पार्टीज, इसलिए उनके साथ भी इंटरनेशनल वर्ल्ड का एक उनके साथ ये गुफ्तगू का डायलॉग का मेरा ख्याल पीरियड शुरू होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्यों सोच रहे हैं नवाज लीग और पीपल्स पार्टी क्यों तकरीबन ये वेव लेंथ पे कि ये पावर में रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वजीर आजम रहे हैं, उन्हें पता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं। जब अपोजिशन में बैठे होते हैं तो आप आके अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसमें जाके स्टेट ऑफ डिनाइल में भी जा सकते हैं, जो जी चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत जाते हैं, आप पे 18 करोड़ ये लोगों को चलाने का आप पे आप बलडन आते हैं, दुनिया के 200 ममालिक से आपसे डील करना होता है, इंटरनेशनल यहाँ पे लैंडिंग एजेंसीज हैं, आपने उनके साथ चलना होता है, बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, उनको इग्नोर करके नहीं चल सकते। इमरान साहब को, इमरान खान साहब को या हाशमी साहब को इस वक्त एक आप कह सकते हैं एक एज है कि ये अभी पावर में नहीं गए, इन्होंने अभी जाके अमेरिकन से डील नहीं किया, इन्होंने यूरोप से डील नहीं किया, इन्होंने जो एक डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के वजीर भी रह चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक इनकी जब वजीर थे नवाज लीग के, एक आप कह सकते हैं पावरफुल और वेरी ऑनरेबल वजीर थे, वो एक वजारत का दौर था, डिफरेंट था, और उस वक्त फॉरेन पॉलिसी के हमारे इशू इतने चैलेंजिंग नहीं थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, जो आज बने हुए हैं। और हमें जाके देखना होगा कि इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि हम नेटो को यहाँ से नहीं जाने देंगे, दुनिया के साथ इस तरह डील करेंगे, सो आई एम वंडरिंग कि जब इमरान साहब पावर में जाते हैं, पावर में जाके तो उसके बाद वो किस तरह डील करेंगे, खान साहब कैसे डील करेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वफ़ा लेते हैं, और वफ़े के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट रिकमेंड किए थे, रिवाइज ड्राफ्ट में चीज़ें किस तरह से तब्दील हुई, और नेटो सप्लाई खोलने के हवाले से जो पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन दी थी जिसका हवाला जावेद हाशमी साहब ने दिया, उस पर बात करेंगे एक वक्त के बाद। We'll be right back.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया के 48 ममालिक से टक्कर ले सकता है नेटो सप्लाई ना खोल के, और जो फैसले होने जा रहे हैं उसमें बाज़ार यही नज़र आ रहा है कि हम नेटो सप्लाई रूट खोल रहे हैं। पाकिस्तान के सदर जरदारी को इनविटेशन भी मिल गई है शिकागो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की। अजीन, हम आपको कुछ ड्राफ्ट दिखाते हैं जो गाइडलाइंस आई थी पार्लियामेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की कमेटी की तरफ से, और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 12 अप्रैल 2012 को जो रिकमेंडेशंस दी गई थी इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आर्म्स और एमिनीशन अफगानिस्तान ले जाने के लिए, और इसमें यह भी कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान को अनकंडीशनल अपॉलोजी लेनी चाहिए अमेरिका से सलाला इंसिडेंट के हवाले से, और जो लोग मोहम्मद एजेंसी के वाक़े के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी अकाउंटेबल किया जाए। इससे पहले गाइडलाइंस फॉर रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आई थी विद यूएस, नेटो, आईएसएफ एंड जनरल फॉरेन पॉलिसी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें एक पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 6 के नेटो, आईएसएफ और यूएस के सप्लाई रूट के हवाले से, कोई भी जब आप डिसीजन लेंगे उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी पाकिस्तान में उसके एंट्री, ट्रांजिट और एग्जिट पॉइंट्स के। और जब आप इन दोनों को साथ रख के देखते हैं, इन दोनों माहदों को अगर आप साथ रख के देखें, और हमारे प्रोड्यूसर आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, तो इसमें पैराग्राफ नंबर 6 जो पहले आया था वो रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से निकल गया। अनुभव बेग साहब, आपने ये मुआहदा देखा, ये दोनों पार्लियामेंट की तरफ से आए हैं, रिवाइज में से ये पैराग्राफ कैसे गायब हो गया? इस बात का मुझे इल्म नहीं है क्योंकि आई वाज नॉट इन द पार्लियामेंट कि ये निकला कैसे है, बट ये आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ 6 है जो पुराने पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस में था, वो जो बाद में 12 अप्रैल में जो रिकमेंडेशन है, द होल पैराग्राफ इज़ मिसिंग। अब गवर्नमेंट पे उस वक्त क्या सोच थी, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पे दस्तखत किए हैं, इंक्लूडिंग माय ओन पार्टी PMLN, सो आई डोंट नो व्हाट ट्रांसपायर्ड कि भाई ये पूरा पैराग्राफ डिलीट किया जाए, क्योंकि आज अगर इसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देर इज़ नो बार। अगर हम 12 अप्रैल का रिकमेंडेशन सामने रख के करें, ये जो आज ओपनिंग हो रही है या होने जा रही है कल परसों तक नेटो सप्लाई की, देर इज नो बार इन दी करंट पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन, नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसमें नजर नहीं आ रहा। तो अब आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट ये है कि जो आप दिखा रहे हैं दीज आर फैक्ट्स, ऑफ कोर्स दे आर ब्लैक एंड वाइट। हाशमी साहब, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस आती हैं, जो रिवाइज ड्राफ्ट आया उसमें जैसे अनवर बेग साहब भी कह रहे हैं चीज़ें निकल गई, आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, फिर पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह जाती है? मैं इसमें अरशद में वही आज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब भी अगर एक फर्द वाहद कहता है मैं फैसला करूँगा शिकागो जाके, पहले भी एक फर्द वाहद कहता था, और हमारी दूसरी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी भी जिम्मेदारी है जो उनके साथ मिलके ये सारे फैसले किए थे। अगर इन फैसलों का ये सिर्फ कौम के साथ मजाक था, सलाला इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा ये तय पाया था कि इन तमाम मामलात के अंदर हम मोहम्मद का हो दूसरे हों, वो तमाम मामलात आज पीछे चले गए हैं, कोई किसी से पूछ नहीं रहा। मैं थोड़ी सी अर्ज करूं, देखें अभी मैं क्लासर साहब कह रहे थे कि जब इमरान खान इमर्ज होगा या हमारी पार्टी होगी तो शायद फिर हमसे कोई अमेरिका बात करेगा। हम कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये एक तयशुदा पूरा अमेरिका इस जंग के खिलाफ है, वो वापस बुला रहा है। आज भी वाशिंगटन पोस्ट के अंदर मज़ामीन अब एक अभी जो रिसेंट है उसके अंदर भी आया हुआ है कि ये काम मत करो। यूरोप के अंदर ये पूरी मुहिम चल पड़ी है कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो अमेरिका को घर के वापसी के रास्ते में हम ताउन करेंगे। मैं क्लासर साहब की बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि आपका अगर दिमाग हो, ब्रेन हो, वो कौम के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और आप वो दर्द महसूस कर रहे हो। अब तालिबान से ये इमरान खान ने कहना शुरू किया था उससे मुज़ाकरात होने चाहिए, किसी ने नहीं मानी थी, अब अमेरिका भी उनसे कर रहा है,
बाकी भी उनसे करें, तो जो चीजें जो एक प्रोसेस है पाकिस्तान को बाहर रख के अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है, मतलब यही बात है जो हमने कहा कि हम इन तमाम मामलात में हमें तालिबान से बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, तो हमने किसी ने मानी नहीं थी। तो ये जो ओवरऑल चीज़ें चला रहे हैं उसके अंदर कोई सोचे बगैर इख्तदार हर एक चाहता है, चलिए ये इनको कोई किस्तें या डॉलर्स भी मिल जाएंगे, हमारे पास तेल नहीं है, हमारे मुश्किलात हैं। लेकिन मुश्किलात का मतलब कभी ये नहीं रहा जिन लोगों के पास पूरी दुनिया पे वसाइल नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाई, अपने मुल्कों को आगे लेके गए। सिर्फ ब्रेन जब हो तो तेल भी आ जाता है, अगर आपका ब्रेन हो बिजली पे भी पैदा हो जाती है। अब ये सिर्फ ये कि तेल नहीं मिल रहा तो हम हाजिर, हमें हम जहाँ चाहो इस्तेमाल कर लो, ये कभी नहीं हुआ। इसके लिए बेसिकली एक ब्रेन होता है और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें कर रहे हैं कौम देख रही है, कौम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। ये रास्ता वही अख्तियार करेंगे अगर हमारे पास पॉलिसी हो। हमारे भी तीन वजीर खारजा बैठे हुए हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनसे हम समझते हैं मसाइल को एक दूसरों से। ये इस पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के अगर हम इंटरेस्ट को वो इंटरेस्ट पा उसको अहमियत देंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान को अहमियत देनी चाहिए, अपनी जात को अहमियत देंगे तो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। और हाशमी साहब ने जो बात की कि अगर सही तरह से सोचा जाए और पॉलिसीज पाकिस्तान के मुफाद में बनाई जाएं तो डॉलर्स भी आएंगे, ऑयल भी मिलेगा हमें। और जब नवंबर में हमने नेटो सप्लाई रूट बंद किए थे, उसके बाद नॉर्दर्न रूट अमेरिका ने इस्तेमाल करना शुरू किया नेटो ने, तो उनका पर मंथ खर्चा $104 मिलियन आता था, और जब पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करते थे तो $17 मिलियन, तकरीबन $84 मिलियन हर माह का नुकसान नेटो को उठाना पड़ा। अब जब हमारी डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट, हमारी काबीना और हुकूमत ये फैसला करने जा रही है कि नेटो सप्लाई रूट खोलेंगे, तो क्या उस पर कोई नए टैरिफ्स, नए टैक्सेस और नई ड्यूटीज़ की भी बात होगी ताकि मुल्क के फ़ायदे की भी बात हो? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई रूट खोलने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान को फ़वाद क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कुछ फिगर्स बताई थी कि जब से नेटो सप्लाई बंद की तो पर मंथ अमेरिका को $84 मिलियन इजाफी खर्च करना पड़ा नेटो और अमेरिका को नॉर्दर्न रूट से सप्लाईज लेके जाने के लिए। सेंटर बेग साहब, पाकिस्तान को क्या कंपल्शन थी कि इस वक्त आके ये फैसला करे कि नेटो सप्लाई रूट खोला जाए? देखिए अरशद, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हफीज़ शेख साहब, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि उनसे बजट नहीं बन रहा, और बजट ना बनने की वजह यह है कि एक इशारा इनको ये भी मिला है कि यूएस कांग्रेस में शायद ये भी मूव हुआ है कि पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इनटू यूएस शायद वो बंद करें। फिर अगर ये खुदा ना खास्ता अगर वैसे अगर नहीं खोलते तो नेटो कॉन्फ्रेंस कुछ और सैंक्शंस हो सकता है पाकिस्तान पे लगाते। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जब सोल के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मिले हैं प्रेसिडेंट ओबामा को, वहाँ पे उनको बहुत एक क्लियर मैसेज दिया था रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ दी सप्लाई रूट। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन्स को ये बिल दिया है कोएलिशन सपोर्ट फंड का, कोई तकरीबन $2.5 बिलियन का, जो अमेरिकन्स कहते हैं कि इन्फ्लेटेड है, और वो वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अमेरिकन्स की जो रिपोर्टें आ रही हैं कि $800 मिलियन उन्होंने वो देने के मूड में है, वो जो अभी तक इनको मिला नहीं है क्योंकि ये सब बजट की तैयारी कर रहे हैं। फिर अपना यहाँ पे ये G3 की टेक्नोलॉजी दे वांट टू सेल इट ऑफ, जो IT का है वहाँ से ये 800 मिलियन उठाना चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक छोटी सी एक फिगर्स दूँ जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस की जो हमारे जो हालात हैं, यानी आप इससे अंदाज़ा करें कि जुलाई 2012 से मार्च 2012 नौ महीने में हमारे एक्सपोर्ट जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक नौ महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स है 18 बिलियन अप्रोक्सीमेटली और इम्पोर्ट है 31 बिलियन। अब ये देखें आप ट्रेड डेफिसिट देखें कितना है। फिर मैं आपको एक और फिगर दूं,
कि जुलाई 2010 से मार्च 2011 11,000 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमिक कंपल्शन है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है वो 16 बिलियन का है, मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने देना है, इंटरेस्ट भी देना है, कहाँ से देंगे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली दे आर नॉट इन द राइट शेप ऑफ माइंड, और इन्होंने जो इकोनॉमिक मैनेजर, एक सेकंड, ये आपने सारे मसाइल सुन लिए, कश्तूल हमारे हाथ में, फिर गैरत के पहाड़ पे हम कैसे चढ़ सकते हैं? गैरत के पहाड़ पे तो उसी वक्त चढ़ेंगे जब अपना घर ठीक करेंगे, जब हम अपना सिस्टम जो है उसके अंदर आप ये भी देखें कि 8,000 अरब जो जिस मुल्क की करप्शन हो, पूरी दुनिया के फिगर्स बता रहे हैं कि इतना पैसा करप्शन में जा रहा है, वही पैसा ना जाए तो भी आपके मसाइल हल हो सकते हैं। अगर कौम फैसला कर चुकी है, मैं समझता हूँ वो अब इसीलिए हमारे साथ खड़ी होती जा रही है कि वो कहते हैं कि हम इस तमाम मामलात में आपके साथ खड़े होंगे। अगर हम खड़े हो जाए पूरी कौम, तो यकीन माने हमारे वसाइल की कमी नहीं है। इसके बावजूद आलमी बिरादरी में हमने रहना है, हमने कोई लड़ाई पूरी दुनिया से नहीं लड़नी, लेकिन जब आप वजह ये हो कि हमारे कशकोल में पैसे डालोगे तो हम आपको रास्ता खोल देंगे, ज़मीन आप दे देंगे पैसे के बदले, उसके बजाय अगर हम इस जंग को ख़त्म करने में हमने साथ देना है पूरी दुनिया का, 48 मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना है, तो फिर पहले अपने कदमों पे खड़े होंगे। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये फिगर जो है इससे डबल होंगे, 18 अरब के बजाय 31 अरब इंपोर्ट का करें, आप देख लीजिएगा अगले साल 62 अरब की इंपोर्ट होगी। डायरेक्टर करंट अफेयर नसीम ज़हरा हमें अमरीका से ज्वाइन करी है। नसीम ज़हरा साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। अमरीका में इस वक्त क्या तासर मिल रहा है, क्या सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पे, जो पॉलिसी डिस्कशंस हैं, पाकिस्तान की कंपल्शंस की वहाँ पे क्या रियलाइजेशन है नेटो सप्लाई रूट खोलने के हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ की कंपल्शंस हैं। अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान के साथ जाहिर है पार्टनरशिप में रहे, क्योंकि एक तो नेटो सप्लाईज की एक डायमेंशन है, लेकिन खत्ते में अमन चैन के लिए पाकिस्तान की पार्टनरशिप जरूरी है। जहाँ तक पाकिस्तान की कंपल्शंस है उसमें तो बड़ा क्लियर है, इकोनॉमिक कंपल्शन जरूर है और उसकी अभी सेनेटर भेज साहब ने तफसीली आपको उसका जायजा लिया, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है कि एक पॉलिसी की भी कंपल्शन है, एक स्ट्रेटेजी की भी कंपल्शन है। देखिए, ये दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो प्रोसेस हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, उस पर अब मैं सुन रही हूँ कि एक 180 डिग्री टर्न लिया गया जिसमें उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। बात यह है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस था वो क्योटिक था, लेकिन उसके नतीजे में कुछ आपको पैरामीटर्स मिले, जो गाइडलाइंस मिली उसके नतीजे में इस वक्त मेरा ख्याल सही होगा ये कहना कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात जो आप फिर से रीनेगोशिएट करें टर्म्स, वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी उस पर हतमी चीज नहीं हुई, लेकिन उससे आपको तो फिर ये फैसला ये हो कहाँ पे रहा है कि हमने नेटो सप्लाई रूट खोलना है, चाहे ड्रोन अटैक्स हैं जिस पर आपने कहा यूनिलैटरल नहीं, ये तो पार्लियामेंट की जितनी रिकमेंडेशन है वो सारे कागजात हमारे सामने पड़े हैं, उसमें से वो किसी पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये फैसला हो कहाँ पे रहा है कि हमें नेटो सप्लाई रूट खोलना चाहिए? पार्लियामेंट्री रिव्यू ही के नतीजे में है कि एक आपको वो लेवरेज मिला है, लेकिन आप ये उस लेवरेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप बिल्कुल प्रोसेस से बाहर निकल जाए, बेग साहब ये फैसला हो किस जगह पे रहा है कि हमने नेटो सप्लाई रूट खोलना है? क्योंकि जब ये बंद करने का फैसला किया गया, पहले डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट बैठी, उसके बाद काबीना बैठी, उसके बाद ये बाकी सारा प्रोसेस हुआ, रिवर्स गियर में भी वही प्रोसेस हुआ, तो ये फैसला होता कहाँ पे? देखें जी, जो मुझे बाहर लग रहा है कि ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये ज़्यादातर उनके फैसले हैं एज़ फार एज़ अफगानिस्तान रिलेटेड। एक सेकेंड, मैं ज़रा सा एक छोटा सी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो हाशमी साहब ने कहा। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जो एक बैड गवर्नेंस आ रही है, टोटल मिसमैनेजमेंट है, पुअर इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, करप्शन है, अगर ये चीज़ें इम्प्रूव करें, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट ना हों, अपनी टांगों पे हम खड़े ना हों, हम किसको क्या आंखें दिखाएंगे? आई मीन जब हम खुद भिखारी हैं, हम हर अभी
हफीज शेख साहब जाके भीख मांग के आए हैं और उनको कुछ नहीं मिला, उनको परेशानी है कि जी हमने बजट देना है डेढ़ महीने के अंदर, पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर, जो ये रातों रात एक DCC आज हो रही है, परसों कैबिनेट हो रही है, फैसले हो रहे हैं, इन्विटेशन इन एडवांस आ गया और है, टिकट लेके सदर जरदारी साहब चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पे क्या कंपल्शंस हैं कि ये फैसला किया जा रहा है कि नेटो सप्लाई रूट्स खोलनी है, और जो रिकमेंडेशंस आई थी उसमें ये भी लिखा था कि जब नेटो और यूएस आईएसएफ और नेटो की सप्लाई रूट खोला जाएगा तो उसमें से 50% जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान रेलवे उसको हैंडल करेगी। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया था कि एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया जाए बिलिंग का और पेमेंट का, और जो कोलिशन सपोर्ट फंड के पैसे हैं जो पाकिस्तान ने ट्राइबल एरियाज़ में जंग लड़ी है उसके पेमेंट्स अमरीका ने करनी है उसको भी फास्ट ट्रैक किया जाए। हाशमी साहब, ये जितने कागजात में रिकमेंडेशन थी इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ और सप्लाई रूट खुलने जा रहे, तो फिर इन कागजात की हैसियत क्या रहती है? देखिए इस में ये अजीब बात है, सिर्फ ये सिर्फ जो हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये तो है ऐसे आपके वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे लीडर्स आए थे जो पार्टी पार्लियामेंट में हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, वहाँ भी फैसले किए गए थे। तो ये एक तरीके से जो फैसले किए गए थे वो सिर्फ पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन नहीं है, ये भी डिसीजंस हैं। अब इस वक्त कौम जो है उसकी परेशानी ये है कि हमें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ बेहतरी हो रही है या हमें किसी मामले पे कहीं खरीदो फरोख्त हो रही है, हम कहाँ खड़े हैं? खरीदो फरोख्त पहले भी हुई थी, वो सीक्रेटिव थी, अब कम से कम हमने उस खरीदो फरोख्त की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी लेकिन उस कीमत पे भी हम नहीं बिक रहे उस पे। वही तो हुआ है ना कि यहाँ पे अभी तक मैं एक चीज़ को बार बार कहता हूँ कि पार्लियामेंट की अहमियत है, हैसियत है, लेकिन एक कोई फर्द उठ के कहता है अब ये फैसले मैं करूंगा, मैंने शिकागो जाना है, मुझे शिकागो साहब किस कीमत पे हम बिक रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कभी नेटो ने वो जो कहते हैं उन्होंने बुलाए वो ये अपनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनको कहीं पहले उन्होंने नहीं इनको बुलाया वहाँ, और लोगों को जो बुलाते हैं सिर्फ इनको अपनी तकरीरें सुनाते हैं, अपनी तजावीज सुनाते हैं, एक एज पार्टनर नहीं जा रहे कि हम इस जंग के अंदर पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं जाके भी बेइज्जती करवाएंगे। यकीनन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन जो है वो अफसोसनाक पहलू है कि वो कोई नहीं रह गया, ये बात है। क्लासर साहब किस कीमत पे हम बिकने जा रहे हैं? यार से साहब ये आपको सवाल ही बड़ा ये नेगेटिव ये कॉन्नोटेशन लेके आ रहा है कि हम किस कीमत बिकना चाहते हैं। साहब ये इसी गाइडलाइंस में ये चीज लिखी हुई है 2001 से हम बिकते आ रहे हैं। और सर आप इतनी मेरा ख्याल है आप में भी थोड़ा इसे टॉलरेशन होना चाहिए कि अगर आप इतना सख्त सवाल पूछ सकते हैं थोड़ा सा जवाब सुन भी लिया करें, कुछ हर्ज नहीं होती इसमें, क्योंकि ये हमारे सारे एंकर दोस्त जितने जज बन गए ना आगे से कोई आर्गू करें तो नाराज भी हो जाते हैं। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ दुनिया का कौन सा मुल्क नहीं बिकता, अपनी अपनी कीमत है। मुझे आपको एक मुल्क का आप आज बता दें, आपको हम समझते इंडिया सबसे पावरफुल मुल्क है, उनको अमेरिकन्स ने कहा कि आपने ईरान के साथ डील नहीं करनी गैस पाइपलाइन की, वो निकल गए उसमें से। उन्होंने चाइना को कहा कि आपने आके जो पाकिस्तान की आपकी ये पाइपलाइन गैस इसको फंड नहीं करना, आपके चाइनीज जिनको हम बड़ा दोस्त समझते हैं वो निकल गए फंडिंग नहीं कर रहे आपको। दुनिया के सारे मुल्क या अमेरिका के कहने पे अपने अमेरिका को खित्ते का चौधरी मान ले। अच्छा आप नहीं मानेंगे तो उससे अमेरिका नहीं बनेगा, मतलब ये कौन सा आर्गुमेंट है? आप उनको मान ले, दुनिया उनको मानती है, मसलन आप उसको ब्रिटेन को देखें, एक वर्ल्ड पावर थी आपके ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, आज वो अब ब्रिटेन भी वही कुछ करता है जो अमेरिका कहता है, फ्रांस वही कुछ करता है, जर्मनी करता है, लेकिन उसके साथ करते क्या है? अब जो डेलिकेट पॉइंट है जो हम नहीं होने दे रहे अपने मफादात के लिए, जब वो जाके अमेरिकन को फैसिलिटेट करते उनके इंटरेस्ट के लिए वो अपनी अपनी एक बेहतर एक प्राइस लेते हैं मार्केट तक, उसमें एक्सेस लें, उसके बदले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लें, उनके साथ ट्रेड बैलेंस को बेहतर कर लें, वो ये आके करते हैं और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। आपको ये कहना हम कितनी प्राइस पे बिकते हैं, पूरी दुनिया बिकती है, कोई आप मुझे कोई एक मुल्क बताएं जो आज इनके सामने खड़ा हो जाता है अमेरिका के सामने, और दुनिया में ये चीज़ है। इसी तरह डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है, आप इन पर यह जोर डालें, जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो लोगों के लिए भी बेहतर है कि वो प्रेशर डालें कि हमें अमेरिका के साथ अपने टर्म्स ऑफ जो एंगेजमेंट्स हैं वो बेहतर करनी चाहिए, हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ले जाना चाहिए। ये वो दस्तावेजात हैं जिसमें उन टर्म्स और कंडीशंस का जिक्र था
और हमें नहीं पता, जावेद हाशमी साहब भी बैठे हैं, हाशमी साहब सर इसका मुझे चौधरी के सामने कोई ना कोई तो खड़ा होता है। मैं हम देखिए बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये डिप्लोमेसी है, आई एग्री जो बात क्लास साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो डिप्लोमेसी जो अपनी कौम के लिए चाइना भी करता है, यूरोप ने भी सरेंडर किया हुआ है, वरना नेटो का ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये किसी सूरत में बनता ही नहीं था। नेटो की ये टर्म्स कंडीशन कभी थी भी नहीं, वो यूरोप ने भी सरेंडर किया है। लेकिन जब जो एक चेंजिंग वर्ल्ड है, मैंने पहले भी आज किया था, खुद अमेरिका भी आज प्रेशर का शिकार है, तो चाइना का प्रेशर भी, इंडिया का प्रेशर भी, अपने आवाम का प्रेशर भी, हम अपना प्रेशर बना नहीं पा रहे, हम अपने इकतदार के नीचे जाते हैं, अपने मामलात को ठीक रखने के लिए उन्हें खुश करते हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए अमेरिका की खुशनौदी चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो आप उठा के ये दिखा रहे हैं, ये जो पेपर का टुकड़ा है इसको टिश्यू बना के फेंक देते हैं कौम को, या ये वादे ना करें या और इसी में बात आप कर रहे थे और हाशमी साहब ने भी की कि अगर आप पॉलिसी सेव ना, इसी में जिक्र है कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशियन फेडरेशन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रीजनल कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप की गाइडलाइंस पूरी दी हुई है, उस पर क्या काम किया है यार? अच्छा एक चीज मेरे ख्याल पार्लियामेंट को इतना भी हमें बैठ के कंडमनेशन नहीं करनी चाहिए, पहली दफा एक अच्छी चीज हुई है, हमें कुछ थोड़े से पहलू अच्छे भी देखने चाहिए, जो अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं कि 65 साल में पाकिस्तान की जो फौज है, जो पावरफुल एक प्लेयर है पॉलिटिक्स में भी है, चाहे रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो आपकी पार्लियामेंट के पास है कि अब अमेरिका से तलुकात रखना ना रखना आप हमें गाइड करें। उन्होंने सबमिट किया, चाहे उनका उनकी कोई भी कंसिडरेशन है, पहली दफा पार्लियामेंट के पास आए, उन्होंने वहां पे बैठे हैं, ब्रीफिंग दी है, इनके साथ इंटरेक्शन किया है, अपनी कुछ अपनी प्रपोजल दिए, इन्होंने जवाबन प्रपोजल दिए हैं, तो मेरा ख्याल इसको पॉजिटिव साइन लें कि पॉलिटिशियन के पास आपकी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट सबमिट कर रही है, इनसे गाइडेंस ले रही है, और आज अभी उसमें डीसीसी में जो फैसले होने हैं, अभी से बैठ कर हमें जजमेंट नहीं देने चाहिए जब तक डीसीसी के फैसले हमारे सामने नहीं आते। मैं कहता हूं इसमें से 10 से 20% भी रिकमेंडेशन अगर मानी जाती है तो मैं इसको अचीवमेंट समझूंगा। आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात देखें, हमारे सियासतदान हमेशा फौज के मुकाबले में ये बेबस रहे हैं, पावरलेस रहे हैं, इनको पावर मिल रही है। क्लासर साहब ये बात कर रहे हैं, ये जो अभी रिकमेंडेशंस बनी है इसमें फौज की इनपुट आई, मैं बात कर रहा हूं रूस से, मैं हर बात एग्री करता हूं, लेकिन अब ये अगर बिल्कुल बालगा हराई करेंगे भाई, ये जो कुछ है, कल को अगर फौज की नीयत खराब हुई तो कहेंगे कि ये आपने अपने फैसलों पर खड़े नहीं हुए थे, तबाह कर दिया था, हम आके पाकिस्तान को हम बचाएंगे, ये नारा हमारे खिलाफ काम आएगा, पहली तकरीर यहाँ से शुरू होगी। अगर सियासतदान ने, अगर सियासतदानों ने अपनी की हुई बातों को, इसी को हम चाटना शुरू कर दें इन मुहदों को, इन असूलों को, तो वो पार्लियामेंट की अपनी हैसियत जो है वो बिल्कुल एक पेपर टाइगर बन जाएंगे हम, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं धड़ाम से आ गिरेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक और क्राइसिस आएगा जिसके अंदर फिर हम फंसेंगे और इन्हीं की वजह से फंसेंगे। हम ये ना सोचें कि आज वो हमारे से करा रहे हैं फौज वाले तो कल को सारे कहेंगे हमारे कहने पे आपने किया। क्लासर साहब देख लेना, पहले भी डीसीसी हुई उसके बाद ये सारे फैसले हुए, आज फिर डीसीसी बैठ रही है उसके बाद सारे नए फैसले आ रहे हैं। आप बता दें प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग किसको करना है? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग तो ये बड़ा वाज़ह था, इस पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं इसको, जैसे हाशमी साहब ने कहा टिश्यू का पेपर ना बनाए, ये आपकी एक कंसेंसस था पॉलिटिकल विजडम का रिफ्लेक्ट। नो ऑफेंसेस मेंस हाशमी साहब, मुझे इनसे बड़ा प्यार भी है, ये कुर्बानियों का और बड़ा कुछ एहसास है, एक फिक्र जरूर करूंगा माजरत के साथ कि जनरल जहा ने भी यही बात की थी, यही ना कागज का टुकड़ा है और फिर पार्लियामेंट की करारदादों को और इतने ना इंपॉर्टेंट फैसलों को ये कहना कि ये भी टिश्यू पेपर है, मेरा ख्याल है ये इट विल बी टू मच। आपके सामने है ना जो आज साहब भी बात करें, डीसीसी का पहले फैसला आया, एक और लोगों की अच्छी है ये बेड़ा कर दिया उसी जिया लग, अच्छी थी या बुरी थी आपकी पार्लियामेंट में आपके वहाँ 2 महीने 3 महीने डिबेट हुई है, उन्होंने हमें एनलाइटन किया, हमारे जैसे लोगों की एक तरह की ग्रूमिंग हुई है, लर्निंग हुई है, और फॉरेन पॉलिसी पे पहली दफा मैंने पिछले 15 साल में कोई डिबेट होते देखी है, और उसके बाद कुछ ना कुछ गाइडेड डिबेट थी, गाइडेड डिबेट थी। कभी फॉरेन पॉलिसी पे अभी तक अंदाजा करें ये पहलू आया, डिस्कशन हुई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट 4 साल में एक दफा नहीं की गई,
यही तो रोना है। ये भी गाइडेड डिबेट थी, ये भी गाइडेड थी। और दूसरा, आज तक फॉरेन पॉलिसी में रहा हूँ, 4 साल तो अंदर रहा हूँ असेंबली के, एक मौका नहीं दिया मौजूदा गवर्नमेंट ने कि फॉरेन पॉलिसी डिस्कस की जाए। मखदूम जावेद हाशमी साहब, रऊफ खलासा साहब, दोनों का प्रोग्राम क्यों में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पूरी आवाम के सामने हैं, लेकिन बकौल जावेद हाशमी साहब के ये सिर्फ टिशू के पेपर बन चुके हैं। इनमें से जितने फैसले इसमें रिकमेंडेशन थी, एक पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। पहले भी DCC डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसमें फ़ौज के नुमाइंदे होते हैं, फ़ौज के सरबराहान होते हैं, तीनों मुसल्ला फ़ौज के वो भी बैठे होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ से बैठ के डायरेक्शंस आई थी, जिसके बाद सारा प्रोसेस चला। एक दफ़ा फिर दिफाई का डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट रिकमेंडेशन दे रही है, जिसके बाद फैसला ये सामने आ रहा है कि नेटो सप्लाई रूट खोल दिया जाएगा। हमारी पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है, इस पर आप भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।